हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक डोसा की रेसिपी जो बनेंगे ग्रीन स्प्राउट से और स्प्राउट बीन और ओट से। और इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है ये ग्रीन स्प्राउट बीन जिसकी स्प्राउट निकल के आए हैं। स्प्राउट निकलने से बहुत ही हेल्दी बनते हैं और वेट लॉस के लिए ये रेसिपी बहुत ही हेल्पफुल है। साथ में ही लिया है ये पाउडर्ड ओट्स। ओट्स को मैंने मिक्सी में पाउडर कर लिया है। और इस रेसिपी के लिए मैंने अदर इंग्रेडिएंट्स भी लिया है, जैसे कि ये कर्ड लिया है, कोरिएंडर लीव्स लिया है, गार्लिक के क्लोव्स लिया है और ग्रीन चिली। और उसके अलावा मुझे चाहिए थोड़ा नमक, थोड़ा रेड चिली पाउडर और थोड़ा जीरा पाउडर। फर्स्ट मेरी जो स्प्राउट थी उसको मिक्सर में मैंने ले लिया है, साथ में ही जो ग्रीन चिली, लहसुन और करियंडर लीव्स और साथ में ही कर्ड। आप लोग कोई भी लो फैट कर्ड ले सकते हो अगर वेट लॉस के लिए बना रही हो ये रेसिपी। और साथ में ही मैंने डाल दिया है रेड चिली पाउडर, नमक और थोड़ा जीरा पाउडर। और इन सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी और एक अच्छी सी स्मूथ बना लूँगी, स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। देखिए मेरी पेस्ट तैयार हो गई है और उसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक कंटेनर में। अब मैं इसमें धीरे धीरे मेरी जो पाउडर्ड ओट्स थी उसको मिला रही हूँ और ऐसे मिलाना चाहिए ताकि अंदर में कोई भी लम्स ना रह जाए। आप लोग अपने हिसाब से ये ले सकते हो, जितना आप लोग जितने जन के लिए बना रहे हो आप लोग उतने हिसाब से ही ले रहे हो। मैंने हाफ कटोरी लिया था ओट्स इधर और इसको पाउडर बना के रख दिया है। देखिए मैंने इसको धीरे धीरे से मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद मैं यहाँ थोड़ा वाटर डाल रही हूँ। वाटर में मैंने जो मिक्सर में जो स्प्राउट की पेस्ट है उसी की वाटर ही डाल रही हूँ, इसीलिए व्हाइट कलर दिख रही है आप लोगों को। अब मैं इसको ऐसे ही मिक्स करके हाफ एन आवर के लिए ढक के रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और हाफ एन आवर के बाद देखिए मेरी जो डोसा की मिक्सचर थी वो परफेक्ट हो गई है। अगर ये बहुत गाढ़ा है आप लोग वाटर भी डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ से आप इडली भी बना सकते हो। अब मैंने एक पैन गरम कर लिया है और एक प्याज को हाफ कट करके ऐसे फोर्क की मदद से मैं ऐसे लगा लूँगी ऑयल, तब ऑयल ज़्यादा भी नहीं लगते और बहुत हेल्दी भी रह जाते हैं और प्याज की खुशबू भी डोसा में आ जाते हैं। अगर नहीं तो आप लोग ब्रश की मदद से ही ऐसे कर सकते हो। अब मैं इसको ऐसे डाल रही हूँ जो मेरी गरम पैन थी और इसको फैला रही हूँ। और बीच बीच में ये नहीं चिपकते हैं क्योंकि नॉनस्टिक की तवे में नहीं चिपकते हैं, तो आप लोग जितना मर्जी इसको पतला और गाढ़ा कर सकते हो आपको जैसा चाहिए। और देखिए मेरी डोसा की सेप हो गई है। अब मैं इसको ढक के 2 to 3 minutes के लिए रख दूँगी। जब 2 to 3 minutes के बाद इसको मैं पलट के ऐसे कर दूँगी ताकि दोनों तरफ से ही ये अच्छी तरह से पक जाए। और मेरी डोसा जो थी वो बिल्कुल तैयार हो गई है खाने के लिए। ये बहुत ही हेल्दी है, आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। आप लोग मिक्सचर में काली मिर्च की पाउडर भी ऐड कर सकते हो, तब भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए मेरी जो डोसा थी वो लगभग तैयार हो गई है, सिर्फ 2 to 5 minutes से ही ये डोसा पक जाते हैं। देखिए मेरी डोसा परफेक्टली कुक्ड हो गई है। और इसके साथ मैंने चटनी, होममेड चटनी भी ले ली है और इसकी रेसिपी नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ऐसे डोसा के साथ होममेड चटनी की कॉम्बिनेशन हमेशा बहुत ही हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है और बच्चे भी खा सकते हैं इसको। तो कैसा लगा मेरी ये डोसा रेसिपी जो मैंने बनाया है स्प्राउट बीन और ओट्स की पाउडर से, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और घर में इसको बना के ज़रूर खाइए। और अगर मेरी इस रेसिपी को अच्छा लगते हैं, मेरी ब्लॉग्स अच्छा लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिए। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।